नमस्कार का फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज़ में। और आज हम फिर से हाजिर है हर रोज़ की तरह पटना शहर की 20 बड़ी खबरों को लेकर के। पटना में तेज प्रताप को फिर से मिली जान से मारने की धमकी, सीएम नीतीश से लगाई गुहार। हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी को सुनाई खड़ी खोटी, कहा आदेश देख करके भड़क जाते हैं बड़ा बाबू। पटना में तस्करी के सोने को कंडोम में लपेट करके छिपा रहा था, शरीर के अंदरूनी हिस्से में बरामद। पटना में TDS कटने के बाद भी शिक्षकों को आयकर नोटिस। गांजा चरस की लत में बच्चे पटना के नामचीन 12 स्कूल रडार पर। RTI से मांगी तालाब सफाई की जानकारी तो थमा दिया काले सच का पुलिंदा। फतुहा में इंडियन ओवरसीज बैंक के बाहर से 3,72,000 रुपए की लूट। पटना और नालंदा के थानेदारों को हर दिन मिलेगा आराम, तय होगी छुट्टी। तेजस्वी ने मांगे महागठबंधन के लिए वोट, कहा जनता को अब नहीं रहा चाचा पर भरोसा। नीतीश कुमार ने कहा बौखलाहट में महागठबंधन गलत भाषा का कर रहे हैं इस्तेमाल। राबड़ी देवी का NDA पर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश को बता दिया ठग। प्रधानमंत्री मोदी अगर फिर से आ रहे हैं बिहार, 15 और 20 अप्रैल की डेट हो गई है फाइन। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मंझले संजले साहब तक सिमट गई लोजपा, पत्नी स्नेहलता स्टार प्रचारक में शामिल। पटना में मासूमों के प्रति बढ़ रही है क्रूरता, खूनी हो रहे हैं खून के रिश्ते। 55 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 55 महीने में उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया, कहा सुशील मोदी ने। तेजस्वी ने कहा बचपन में चाची 420 देखी थी, जवानी में रियल का चाचा 420 देख लिया। लालू का दावा महागठबंधन में वापसी करना चाहते थे नीतीश, लेकिन मैंने कर दिया मना। हिंदू आतंकवाद पर पूर्व केंद्रीय गृह सचिव की सफाई, यह बयान सुशील कुमार शिंदे का था मेरा नहीं। महागठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी के लालू के दावे को PK ने बताया फर्जी, कहा राज खोल दूं तो शर्मिंदा होंगे RJD के चीफ। पटना में दिन दहाड़े 4.25 लाख रुपए लूट करके ले गए अपराधी, विरोध करने पर भी की फायरिंग। इतनी पटना शहर की 20 बड़ी खबरें, कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त कुछ अन्य खबरों को लेकर के। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर न्यूज़।